पॉइंट ये है कि आप इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द की प्लेयर माने जाते हैं और इससे पहले की इनिंग्स भी आपने काफी अच्छी खेली थी. डू यू थिंक ये आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट इनिंग थी सेमीफाइनल में खेलना ऐसा? ये पहले तो मैं सभी केवीएन सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि गुलबर्गा के इतिहास में और एचके रीजन के इतिहास में इतना बड़ा टूर्नामेंट मैंने कहीं नहीं देखा. हैट्स ऑफ टू अली साहब एंड फैमिली एंड फॉर माय साइड. ये है कि छोटा स्कोर चेस करते वक्त यू नो काफी सारा प्रेशर रहता है अगर आपको अर्ली विकेट जाए, लेकिन आपने वन डाउन आने का फैसला लिया और काफी मैच को वन साइड कर दिया. कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव स्ट्रेटेजी थी आपके दिमाग में या ऐसे ही आपने किया था? नहीं, बस मैं समझता हूँ कि कोई टोटल छोटा नहीं होता है क्रिकेट में. हमने पिछले इनिंग्स में भी देखा है कि 89-98 को है ना, थोड़ी हर कोई टीम लड़खड़ाई थी. ऐसा नहीं कि मैं जब पिच पे गया तो मेरा बस इंटेंशन यही था कि स्कोर करें. हाँ, ऐसा नहीं कि हर कोई टोटल इतना ये नहीं होता है. वो भी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ बोला नहीं जा सकता. यू कैन डिफेंड स्मॉल टोटल ऑल्सो. आप बहुत प्रॉमिसिंग बॉलर हैं इस टूर्नामेंट के और इस बार भी आपके इनस्विंगर्स काफी अच्छे थे, तो कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी थी आपकी बॉलिंग में या पिच से आपको सपोर्ट मिल रहा था कुछ? सर, पिच से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मगर जो मेरा स्किल्स है वो दिखाना था उतना ही. बॉलिंग करने में यू नो फास्ट बॉलर्स को अगर सेमीफाइनल में काफ़ी सारा प्रेशर होता है, तो आपने प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया? मैं प्रेशर नहीं लिया था, जो मेरा नॉर्मल है वो इस था. कोई क्रेडिट देना चाहेंगे आप कैप्टन को, कोच को, ओनर को आपके इस परफॉर्मेंस के लिए? हाँ, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कैप्टन और कोच को, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा करे उसके लिए. आपका एक एडवर्टाइजमेंट था गो हैश पे कि दोनों फाजिल और आप मिलके आपने सवाल किया कि जीतेंगे क्या, तो फाजिल ने कहा जीत जाएंगे. तो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द ड्रीम टू कम ट्रू. क्या लगता है आपको, ख्वाब सच होगा या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स इट विल बी. ओके, थैंक यू सर. कैप्टन के साथ साथ कोच की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोच फील्ड के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन आपकी टीम फिर भी अच्छा खेली. रीजन क्या है अच्छा खेलने का? मेरे ख्याल से आज कैप्टन ने बहुत जिम्मेदारी से खेला है, क्योंकि उनको मैं बताया था कि हमें टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है अपने आप पे. तो कैप्टन ने वो बताया, वो साबित किया कि वो प्रेशर में नहीं है और प्लेयर भी प्रेशर में नहीं है, क्योंकि हमारा दो मैच हार के हमारा प्लेयर्स का मोरल पूरा डाउन हो गया था. फिर हमारा मोरल सेमीफाइनल में आए बोल के और ऊपर थोड़ा हम पॉजिटिव थे, और वही पॉजिटिव हमने इस्तेमाल किया कि हमें अच्छा खेलना है. तो आज देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आपके सामने है. ताराबाद एंड यू आर वाचिंग द केपीएन प्रीमियर लीग सीजन 1. इट्स टाइम फॉर द एक्स्ट्रा इनिंग. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उमर, आमिर एंड हसन. उमर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, आप रोजा स्टार्स को सपोर्ट कर रहे थे. रोजा स्टार्स जो बैटिंग फर्स्ट करके टॉस जीत के 150-170 मारना चाहिए था, उन्होंने स्कोर नहीं किया, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बैटिंग फेलियर हो गया एंड प्रेशर वो नहीं कोप कर सके कंटिन्यू विकेट्स जाने की वजह से, एंड स्पेशली उनके ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो गए. वो लोगों को चाहिए था कि वो एटलीस्ट 50 या 60 की स्टैंड दे सके, बट उनका मिडिल ऑर्डर एज आई सेड अर्लियर कि वो लोगों का फ्रजाइल मिडिल ऑर्डर है. डू यू एग्री विद दिस आमिर के रोजा स्टार का जो बैटिंग लाइनअप था वो प्रॉपर नहीं था, उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया, दे कुड हैव डन इजीली 130-140? Yes, I think they needed a partnership. One or two partnership could have taken them around 140-150. That could have been a very competitive total on this track. If they would have got Fazil early, then still they would have a great chance of winning this match. But that didn't happen. Hasan, what do you think? Avenshire Royals Fazil ki upper akele pe depend hai team. Agar Fazil ka jaldi out hota, to do you think ke score competitive hota tha wo? Yeah, definitely 117-118 have been defended before in this tournament. And Fazil, you can say, we have seen in the previous match, they were 61-1 cruising towards the total. And then Fazil got out. Then for 2 runs, they lost 5 wickets. Yes, exactly. So the catch there at the 35 runs, which the player missed, Vijay. So it was a mess. You say catches win matches. That was the right. If Fazil would have gone on that stage, then this match would have been totally opposite. But still, you know, Rosa Star is a home team, the organizing team. You know, we expected a lot of runs from them. They did their part, but you know, Avenshire Royal, especially Fazil, you know, one side, उन्होंने game को खत्म कर दिया. Do you agree with this? डेफिनेटली जो स्टार्ट उनको मिला था फाजिल का, और वो अटैकिंग प्लेयर हैं, वो रुक के नहीं खेलते, और ये चाहिए था ये सेमीफाइनल में कि कोई एक आके इनिंग ऐसी खेले, और लकीली ये एवेंशाई की तरफ से हुआ,
रोजा स्टार्स की तरफ से भी हो सकता था पर वो प्रेशर में क्रम्बल हो गए. एंड एवन शाही रॉयल्स के कप्तान फाजिल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, वन साइडेड कर दिया मैच को. चलिए हम कल की बात करते हैं. कल मैच सेमीफाइनल नंबर 2 एमएसके मिल टाइटंस और मार्केट सुपर किंग्स. स्टार्टिंग में मार्केट सुपर किंग्स आर द फेवरेट बिकॉज उन्होंने अपने तीनों मैच में से तीनों गेम जीते हैं. एमएसके मिल टाइटंस जो सबसे छोटी है यंगेस्ट टीम मानी जाती है वो भी सेमीफाइनल में एंट्री मार चुकी है. उन्होंने अपने दो मैच जीते हैं. यू आर फेवरेट फॉर टुमारो एमएसके मिल टाइटंस वर्सेस द मार्केट सुपर किंग्स. ऑब्वियसली एमएसके मिल टाइटंस क्योंकि हम टीम से बहुत जुड़ा हुआ हूँ एंड टीम बहुत अच्छी है. हाँ एक हिकअप होगा था लास्ट मैच क्योंकि हमने नए लड़कों को चांस दिया बट कल पूरे नए प्लेयर्स आने वाले हैं और हमारे जो अच्छे प्लेयर्स जो मिस आउट हुए थे अब वो कम बैक करेंगे कल एंड इंशाल्लाह कल अच्छा खेलेंगे. आप क्या आ रहा है क्या हमें इस बारे में? आई एम गोइंग विद मार्केट सुपर किंग्स पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस बिकॉज दे हैव वन ऑल द थ्री मैचेस द कॉन्फिडेंस आर इन देयर साइड एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू डू वेल टुमॉरो. According to me, toss is going to play an important role because if MSK Mill Titans wins the toss, it's half work done because we have seen market batting first is crumbling. They have scored 102, then 120, so they're struggling because they can't decide the total early on. So if MSK Mill wins the toss, definitely they could go for the chase. And I will say tomorrow it's a match very evenly poised and there is no team stronger than each other. This is semi-final, so it will be a good match. You want to say good match? Yeah. Competitive match. The first semi-final. Okay. तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी है और हमारे साथ साथ हमारे चैनल्स गुलबर्ग टाइम्स गुलबर्ग की आवाज़ गोहैश वो सब लोग ये चीज़ को कवर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच मोहसिन साहब.